पूछा कौन हो तुम, क्या मकसद है तुम्हारा, बोलो घर में क्यों आई हो? ऋषभ तू पागल हो गया क्या? जब इतना दर्द था तो क्यों किया ये? अरे क्या हाल बना रखा है अपना? भाई तू आर्मी से प्यार करता था इसलिए आर्मी में गया, तू रीम से प्यार करता था इसलिए 1 किलोमीटर पैदल चलकर तू उसे फोन में बात करता था। भाई तू शादी करना चाहता था, तूने वादा किया तो फिर क्यों तोड़ा तूने अपने वादा? मेरे भाई मुझे अपने भाई को प्रोटेक्ट करना था इसीलिए किया मैंने ये सब। वो लड़की वो कौन है, कहां से आई है, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे घर में क्या कर रही है वो? मेरे डैड, पूरी शादी खत्म हो गई, मेरे डैड नहीं था पूरी शादी में, तूने देखा नहीं क्या? और ऊपर से वो लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ, मेरे डैड के साथ साथ उसके डैड भी गायब है। और अगर दोनों के डैड में से किसी को कुछ भी हुआ ना तो तुम समझ जाना कि उसी प्रथा का हाथ है। अब इतना बड़ा नाटक मैंने खेला तो अब देखना किस हद तक मैं इस नाटक को लेके जाता हूँ। तू देख उससे शादी कर ली ना मैंने, सब पता लगाऊंगा कि वो कौन है, कहां से आई है, क्या करने वाली है, क्या करना चाहती है। रीम से कितना प्यार करता हूं तू जानता है ना, मैंने अपना प्यार कुर्बान किया, कैसा लगा होगा यार उसे, अरे कैसे माफ कर दूं खुद को। हाँ प्रथा, इधर आओ मैं तुम्हें लेप लगा देती हूँ। हाँ, रात भर में तुम्हें आराम हो जाएगा और सुबह होती ही जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ेगी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। दीदी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब कैसे करूँगी। मैंने शादी तो कर ली है पर अगर उसने मुझे छूने की कोशिश की तो? वो कह रहा था ना मुझसे प्यार करता है, रितेश होता तो मैं उसे संभाल लेती क्योंकि रितेश बहुत भोला वाला है। मेरी शादी ऋषभ से हो गई, ये ऋषभ बहुत अकड़ है, उससे मैं खुद को कैसे बचाऊंगी? कभी कभी मुझे डर लगता है शेषनाग इनकी सारी जिम्मेदारियां निभा पाऊंगी भी या नहीं, देश को असुरों से बचा पाऊंगी भी या नहीं। प्रथा मुझे पता है कि तुम्हें शेषनागिन नहीं बनना था लेकिन शिव जी ने तुम्हें ही चुना है सारे असुरों का अंत करने के लिए और ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तुम बस एक चीज का ख्याल रखना, ऋषभ को कभी शक नहीं होना चाहिए और तुम्हारा असली रूप ऋषभ के सामने नहीं आना चाहिए। तुम ऋषभ को संभालो और मैं उस अधमरे ललित का काम तमाम करके आती हूँ। ठीक है? चोट लग गई थी। अच्छा कैसे? शादी के बाद तो तुम डायरेक्टली रूम में आई थी ना, तो फिर ये चोट कैसे लग गई तुम्हें? वो मैं मुझे क्या बोलो प्रथा, बोलो प्रथा, मैं पति हूँ तुम्हारा, प्यार करता हूँ तुमसे, मुझे नहीं बताओगी तो कैसे बताओगी? हाँ ये कह रहा है मुझसे प्यार करता है पर मेरा दिल नहीं मानता, पर अगर ये सच में मुझसे प्यार करता होगा तो, सच में मुझे चाहता होगा तो, या फिर कहीं मुझ पर शक कर रहा होगा तो, जो भी है इस लड़के पे मेरा जोर नहीं चलेगा, पर कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे इसे अपने आप से दूर रखना है। कैसे रखूं? बोलो प्रथा बोलो। सर मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द तो मुझे भी बहुत हो रहा है प्रथा, पर तुम्हारा दर्द देखकर मैं प्यार करता हूँ ना तुमसे इसीलिए। पर ये चोट तुम्हें कैसे लगी? हाँ कहीं तुम मेरे डैड को जंगल में बचाने तो नहीं चली गई थी? क्योंकि तुम्हारा दोस्त मयंक तो यही कह रहा था कि मेरे डैड को कोई मारने के लिए जंगल में ले गया। मेरे डैड कहाँ है प्रथा?
प्रथा? सर मुझे नहीं पता, मैं कहीं नहीं गई थी, नीचे आपके साथ ही थी। तो फिर ये चोट तुम्हें कैसे लगी? हाँ और मैं नीचे आपके साथ ही तो थी ना, हमारी शादी हो रही थी तो आपके साथ मंडप में बैठी थी, उससे पहले शिव जी के मंदिर में महाशिवरात्रि की आरती के लिए। तो मुझे कैसे पता होगा आपके पापा कहाँ हैं सर? सही कह रही हो, मैं भी ना कुछ भी। खैर छोड़ो, ये देखो हमारे सुहाग की सेज, सो ब्यूटीफुल ना, है ना? ब्यूटीफुल है ना? नो no? और ये फूल, ये मेरे फेवरेट फूल है, जानती हो? मैं कितने भी खराब मूड में क्यों ना हूं, इनको बस एक बार स्मेल करता हूं और मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। मैं चाहता हूं कि मैं आज की रात ना हम दोनों के लिए स्पेशल बना दूं। और मैं अभी आया, तुम मेरा वेट करना। हम्म, और तैयार रहना। ये लड़का आखिर करना क्या चाहता है? कुछ पता नहीं, मुझे इसे बचना है। शेष नागिन के पास एक विशेष विष है, निद्रा विष। अगर तुम कहीं पे भी अटक गई या फंस गई तो ये विष मिला देना, इसके नशे से तुरंत नींद आ जाएगी। चतुर्दशी की काली रात का अंतिम पहर है, लाल चांद की चांदनी मेरे शरीर पे। मेरी केसरी बदलने वाली है। ललित गया कहाँ? इसको अधमरा तो यहीं छोड़ के गए थे, कहाँ चला गया? ये लड़की प्रथा, ये इनोसेंट बनने का नाटक तो बहुत अच्छा कर रही है, पर मैंने इसका नाटक पकड़ लिया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मेरे भाई की अच्छी खासी शादी हो रही थी रिया से, इस लड़की ने पता नहीं क्या जादू कर दिया है उस पर, उसकी शादी बर्बाद कर दी। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, इसका कोई तो राज है। आ Fire.
समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। देखो मुझे तो पहले से ही पता था तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, पर मुझे तो तुमसे सच्चा वाला प्यार हो गया था। Really fell in love with you. कब कहाँ कैसे? I don't know. I have no idea. बस हो गया। और तुमने देखा नहीं? तुम्हें भी तो मैंने पैसे ऑफर किए थे अपने भाई से शादी तोड़ देने के लिए। नीचे जो मैंने सबसे कहा वो तो कहा, तुमने सब सुना। अब जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ ना, कोई नहीं सुनने वाला। अरे तुम इतना कांप क्यों रही हो? हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा, क्या हो गया? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कम ऑन प्रथा, छोटे से शहर की एक सिंपल सी तो लड़की हो तुम, कितनी प्यारी हो, है ना? और मैं कौन हूँ? मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ जो तुमसे बहुत प्यार करता है ना? है वही, इतनी टेंशन ले रही हो तुम। नीचे देखा नहीं तुमने मैंने क्या किया? पूरी तरीके से अपने भाई से झगड़ा कर लिया, जिस लड़की को मैं सोचता था उससे प्यार करता हूँ उसको छोड़ दिया, किसके लिए? तुम्हारे लिए प्रथा, तुम्हारे लिए। और तुम हो कि खैर छोड़ो, तुम्हें तो वैसे ही किसी से प्यार नहीं था ना। मेरे भाई से तुम शादी क्यों कर रही थी? क्योंकि उसे तुमसे प्यार था। मयंक से क्यों शादी कर रही थी तुम? तुम्हारा दोस्त था वो, ओके ओके। लेकिन देखो तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा था, मैं मैं, और मुझ जैसा प्यार करने वाला तुम्हें कहाँ मिलेगा भला? तो हमें एक होना ही पड़ेगा। दूध मुझे नहीं पसंद ये दूध वूध। हाँ नहीं, वो तो एक्चुअली वो रिवाज है ना कि शादी पे रिवाज है। लाओ फिर, तुम्हारे लिए पी रहा हूँ मैं। हे शिव जी, ये मेरी केंचुली, ये तो यही, अगर ऋषभ ने देख ली तो ये मुझ पे और भी शक करेगा, फिर मैं क्या करूंगी? एक सेकंड इधर आओ, यहाँ बैठो। एक काम करो, तुम पियो। हाँ पियो ना। नहीं मैं कैसे? क्यों पियो ना। अरे तुम दूध को इतने प्यार से देख रही थी तो मुझे लगा तुम्हें दूध बहुत पसंद है। देखो मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि तुमने इस दूध में कुछ मिलाया है। पियो पियो। देखो अगर तुमने दूध नहीं पिया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने इस दूध में जरूर कुछ ना कुछ मिलाया। देन गॉड हेल्प यू। आई मीन टू से कि अगर तुमने इस दूध में कुछ मिलाया होगा तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। खामखा सबसे लड़ाई की। पर दीदी अगर ये मेरा निद्रा विष जाने अनजाने में गलती से मैं खुद ही पी लूं तो? कभी भूल के भी मत पीना, इसका असर तुम पे भी हो सकता है। पियो पियो ना। देखो अगर तुमने खुद नहीं पिया ना तो मैं तुम्हें जबरदस्ती पिलाऊंगा, चलेगा? नहीं ना। अगर शेष नागिन अपना खुद का निद्रा विष पी ले तो उसे एक पल में नींद आ जाएगी या फिर ऐसा नशा चढ़ेगा कि दिखेगा। क्या सोच रही हो? पियो। हंस क्यों रही हो? हाँ किसे देख के हंस रही हो? पता नहीं क्यों पर मजा आ गया। मैं तो समझ रहा था तुमने दूध में कुछ मिलाया, पर तुम तो फुल मजे ले रही हो दूध पीकर, फुल झूम रही हो इधर उधर। मतलब कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी जान को खतरा। नहीं अब तुम पियो। नहीं मैं नहीं। अब पियोगे? जबरदस्ती पिलाओ।
बताओ ये दूध था या शराब थी? हाँ? पता नहीं क्या था। बड़ा मजेदार था। तुम ये शादी करके खुश हो क्या? किसी को बताना नहीं। मुझे भी नहीं। मुझे भी नहीं। मुझे भी नहीं करनी थी तुमसे शादी, मुझे तो किसी और से प्यार था। इस लड़की से मैं प्यार करता था, वो तो मुझे मिली नहीं, तुमसे शादी हो गई मेरी। तुम रो मत यार। अरे तो क्या करूं, रोना आ रहा है मेरे को। तुम देखो, तुम प्लीज रो मत, मत रो। अरे यार देखो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। महक दीदी, ऋषभ इन्हें देखना ले। ये करिए ना। हे भोलेनाथ, मेरी केंचुली, मुझे यहां से हटानी होगी। मैं अभी आई। क्या सीन है? होता है। भाई चलिए, आपको और भाभी को नीचे मुंह दिखाई की रस्म के लिए बुला रहे हैं। चले तुम चलो, मैं तैयार होके आती हूँ। अरे भाभी, तैयार होने के लिए बाहर कहाँ जा रही हो? तैयार होने के लिए अंदर चलो और मैं आपको तैयार करूंगी। चलो चलो जल्दी। भाभी, मैंने एक ब्रांड से आपके लिए एक ब्रेसलेट खरीदा है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके लिए। अच्छा अन्या, भाभी के लिए गिफ्ट और भाई अच्छा? के लिए कुछ नहीं? आपके लिए भी ऑर्डर कर दूंगी ना। आपको पता है भाई, इस ब्रांड में बहुत सारे वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं, होम डेकोर और भी बहुत कुछ। आपको जो चाहिए ऑर्डर कर दूंगी, ठीक है? ओके। चलो। मैं एक दीदी मुझसे बात करना चाहती है इसलिए आई है, पर अब मैं उनके पास कैसे जाऊं? माँ बात नहीं समझ रहे, बात बहुत सीरियस है। वो जो प्रथा का एक्स फियांसे था, क्या नाम था, मयंक, वो पता नहीं डैड के बारे में क्या बोले जा रहा था। बोल रहा था डैड को कोई जंगल में ले गया है। सीमा बहू, बहू कहाँ खोई हो? कुछ नहीं, वो ललित जी नहीं आए ना, इसलिए टेंशन में हो। ललित अब तक नहीं आया? माँ, माँ, और डैड के बारे में पता चला? डैड आए घर वापस? डोंट वरी, मैंने इंस्पेक्टर विजय को फोन कर दिया। तुमने इंस्पेक्टर को क्यों फोन किया? माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कल शादी थी मेरी, डैड पूरी रात से घर वापस नहीं है, ऐसे कैसे नहीं करता? इंस्पेक्टर विजय ही है जो हमारी मदद कर सकते। मुझे प्रथा को बताना होगा, वो अधमरा ललित जहाँ उसको छोड़ा था वहाँ वो है ही नहीं।
क्या कहा था तुमने? तुमने कहा था कि तुम प्रथा से प्यार करते हो, इसलिए तुमने उससे शादी की ना? Tell me you're lying. नहीं तो मैं अपनी जान ले लूंगी। नहीं। तुम पागलों जैसी बात मत करो, ड्रॉप द गन। रील में शूट कर दूंगी। गन रखो, रीम, रीम प्लीज। ऋषभ, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। रीम ये क्या पागल बना, ड्रॉप द गन। मेरी डोली नहीं उठी ना, लेकिन अर्थी जरूर उठ जाएगी। भाई ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, सिर्फ आपकी वजह से। रीम, ना। रीम, रीम हम आराम से बैठ के बात करेंगे, ड्रॉप द गन। ऋषभ आगे मत बढ़ो। ऋषभ से अच्छा लड़का ढूंढूंगी तेरे लिए। I promise you baby, please. ऋषभ नहीं, तुम कोई नहीं। ना बारे रीम, please। नहीं मॉम। नहीं, मैं असुरों को ढूंढ के उनका वध करने आई हूँ। किसी निर्दोष की जान जाने नहीं दूंगी। रीम, शेष नागिन तुम्हें मरने नहीं देगी। शेष नागिन हो और तुम्हारे पास हजारों शक्तियां हैं, पर उन हजारों शक्तियों में से एक शक्ति वो है कि तुम किसी को भी थोड़ी देर के लिए स्थिर कर सकते हो। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, इसका उपयोग तुम तभी कर सकती हो जब सूरज बादलों में गिरा हो। जैसे ही सूरज बादलों से बाहर आएगा, तुम्हारी इन शक्तियों का असर भी कम हो जाएगा, फिर कोई स्थिर नहीं रहेगा। मुझे लग रहा है कि बहुत सारा अपशगुन हो रहा है। चलो पूजा के पहले आरती कर लेते हैं। माँ वो इंस्पेक्टर विजय से मिलकर आता हूँ। ऋषभ मैं भी आता हूँ। हाँ जी। ऋषभ अगर इंस्पेक्टर विजय से मिला तो कहीं उसे राज का पता न चल जाए। प्र
प्रथा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो अदमरा ललित जहाँ उसको जंगल में छोड़ा था वहाँ वो है ही नहीं। मैंने पूरी रात ढूंढा है। दीदी अगर वो हमारे सिवा किसी और को मिल गया तो वो सबको जाके बता देगा कि हम इंसान नहीं नागिन है। कोई और उसे ढूंढना ले उसे पहले हमें ढूंढना होगा। दीदी ऋषभ अपने डैड को पूरी जी जान से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फिर से जंगल जाते हैं और पूरा जंगल छान मारते हैं। प्रथा बेटा कहाँ जा रही है? चल आ जा, पहली रसोई की रस्म करनी है। चल इंस्पेक्टर। अरे नहीं नहीं मैं किसी से हाथ नहीं मिलाता। मैं थोड़ा हाइजीनिक किस्म का आदमी हूँ। वैसे भी हर जगह महामारी वायरस फैला हुआ है। सो ब्रिलियंट। एनीवेज थैंक्स फॉर कमिंग इन सच अ शॉर्ट नोटिस। प्लीज कम इन। ओह नो 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 मैं यहीं ठीक हूँ। मैं थोड़ा हैरान हूँ। इनफैक्ट थोड़ा नहीं काफी ज्यादा। मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि इतने बड़े घर के बड़े लोग भी गायब हो सकते हैं। तो शायद अपने काम में बिजी होंगे। वैसे आखिरी बार उन्हें कहाँ पे देखा? हमारे भतीजों की शादी की पूजा थी शिव मंदिर में। पूरी फैमिली एक साथ थी। लास्ट उन्हें वहीं देखा था। ओ, तो किसी पे कोई शक? कहीं प्रथा तो नहीं? नहीं, I don't think so. अरे तो मर गए होंगे। इंस्पेक्टर। Stay in your freaking limits, okay? अरे 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 इतना गुस्सा किस लिए? Calm down, टाइगर। अब मुझे क्या पता तुम बड़े बड़े लोगों के अलग अलग चोंचले होते हैं। वैसे भी तुम लोग का इतना बड़ा घर है यहाँ पे बदरपुर में और आदमी गायब, वो भी चलती महामारी के बीच में, और वो भी खास करके तब जब कभी भी लॉकडाउन इम्पोज किया जा सकता है। और तुम यूं ही बकवास करते रहोगे या कुछ काम भी करोगे? श्योर। तो ये रहा मंदिर। मंदिर वो जगह जहां पर उन्हें आखिरी बार देखा गया। मंदिर के चारों ओर घना जंगल है, तो मतलब साफ है उनकी तलाश जंगल से ही शुरू करनी पड़ेगी। Come on, let's go. दीदी, इससे पहले कि बोलो वहां पहुंचे हमें वहां पहुंचना होगा और उस ससुर को ढूंढ निकालना होगा। दीदी उस अदमरे ललित को हम यहीं पे तो छोड़ के गए थे, ऐसे कैसे गायब हो सकता है? प्रथा सोचने का वक्त नहीं है, चलो जाके उसे ढूंढते हैं। हे माइष्ट, महापूज, महादेव, मदद करो, हमें उस असुर तक पहुंचा दो। जय भोलेनाथ। ये काम इतना आसान नहीं होने वाला, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक काम करो, आप लोग भी ढूंढिए, हम लोग भी ढूंढ। अरे रुको रुको, ठहरो जरा, मेरी पूरी फौज यहाँ पे जमा है। हम इस जंगल का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, देख लेना। और अगर वो उस जंगल में है और किसी ने उन्हें चोट पहुँचाने की कोशिश की तो वो तो चोट पहुँचा के चला गया होगा भाई साहब। सो डोंट वरी। लेकिन आई एम वरीड, न जाने मिस्टर गुजराल किस कंडीशन में होंगे। इस स्पेशल टीम के लिए मेरे पास एक बहुत ही खास मेहमान है। खास तलाश के लिए खास मेहमान, सुल्तान। Come on.
हे महादेव, आपकी शेष नागिन आपको पुकार रही है। आइए और मुझे मेरी त्रिकोण दृष्टि में दिखाइए कि वो असुर है कहाँ। मर गया कि जिंदा है अभी? ये तो जिंदा है। इससे पहले कि कोई आ जाए, मुझे इस ससुर को उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। जय भोलेनाथ। क्योंकि तुम्हें ही चुना गया था, तुम असुरों का अंत करने आई हो और इस देश को बचाने आई हो। सुल्तान इस दलदल की तरफ देख के भौंक रहा है, इसका मतलब मिस्टर गुजराल इस दलदल के अंदर ही। अरे तो खड़े खड़े देख के यार, बचाओ ना मेरे। लड़ाई कैसे बचाओ, इंसान के बस की बात ही नहीं है, मशीन मंगानी पड़ेगी इसके लिए। और वैसे भी अगर वो इसके अंदर है ना तो जिंदा नहीं बचेंगे, दलदल को देखो। ए, मेरे डैड ऐसे मर नहीं सकते हो क्या? देखो देखो, इसमें से बबल्स निकल रहे हैं, मतलब मेरे डैड अंदर ही है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। We'll be right back.
ऋषभ ये क्या कर रहा है? जस्ट होल्ड ऑन चाचू, मशीन मंगानी पड़ेगी और कोई चारा ही नहीं हमारे पास। आप इसे पकड़िए, पकड़ो। इतने गेम्स तो मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं किए होंगे, लेकिन चलो आपके एंटरटेनमेंट के लिए तो कर ही सकती हूँ। तो अगर मुझे और कई सेलिब्रिटीज को ऐसे ही फन गेम्स खेलते हुए देखना चाहते हो, देन वॉच द खतरा खतरा शो फ्रॉम 13th मार्च मंडे टू फ्राइडे एट 7 PM फॉर फ्री ऑन द वूट ऐप।